सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलिए हम अपनी आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले जो हम लेंगे यहाँ पे है चाइना ग्रास, इसे अगर अगर भी कहते हैं। इसका एक पैकेट सफिशिएंट रहेगा। इसकी कॉस्ट कुछ 40 से 50 रुपए के करीब है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, एक बर्तन में थोड़ा सा हम पानी भरेंगे, इतना पानी भरेंगे जिसमें ये चाइना ग्रास अच्छी तरह से डूब जाए। फिर हम इस चाइना ग्रास को उसमें डाल देंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो। 15 मिनट के बाद गैस पर हम एक बर्तन रखेंगे और उस बर्तन में 2 से 2.5 गिलास के करीब हम पानी डालेंगे। आप 2.5 गिलास पानी डालिए, बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा। आप ग्लास देख सकते हैं, बड़े साइज़ का ग्लास हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे 1 कटोरी भरकर चीनी। चीनी यहाँ पर आप अपनी मिठास से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमने चाइना ग्रास 15 मिनट पहले पानी में भिगो कर रखी थी, वो पानी के साथ हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, पानी अच्छी तरह सूख जाएगा, चाइना ग्रास फूल जाएगी, फिर वो हम इसमें डालेंगे। अब बस हमें कुछ नहीं करना, गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर आप इसे छोड़ दीजिए। धीरे 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 आप देखेंगे जो चाइना ग्रास है वो पिघलने लग जाएगी, चीनी भी पिघलने लग जाएगी। आपको इसे तब तक पकाना है जब तक जो चाइना ग्रास है वो डिसअपियर ना हो जाए, मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं देनी चाहिए। 15 से 20 मिनट अगर आप लो फ्लेम पर पकाएंगे तो इसे लग जाएंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे तो 10 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। याद रखें, ये पानी में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी आपको दिखाई दे तो थोड़ा आप इसे और पका लें। तब तक पकाएं जब तक ये पानी बिल्कुल साफ ना हो जाए, बिल्कुल डिसअपियर ना हो जाए चाइना ग्रास। अब थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से, ऐसे लग रहा है चाशनी है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो हम गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाएंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे। बस हमारी जो मेन चीज़ें थी वो तो हो चुकी। उसके बाद यहाँ पर मैंने वाइट रोज़ का एसेंस इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल कीजिए, वरना ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप इसे नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, या तो अगर आपके पास कोई और एसेंस है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 2 से 3 बूंदें हमें इसमें डालनी है खुशबू के लिए। इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा ये जेली का जो मिश्रण है ये बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डायरेक्टली पतीले में इसे जमाने वाली थी, बट आपको दिखाने के लिए कि आप किसी भी शेप के बर्तन में इसे जमाएंगे तो वो उस शेप की जेली आपकी बन जाएगी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर 2 छोटे कटोरियों में जमा कर दिखाया है। साथ ही आप यहाँ पर किसी भी कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर रेड, ऑरेंज, ग्रीन, जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो घर में, आप उस वाले फूड कलर का इस्तेमाल इसमें करेंगे तो उस कलर की जेली आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं रेड कलर इसमें डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए। और जो दूसरा वाला बर्तन है हम उसमें ऑरेंज कलर डालेंगे। मेरे पास 2 कलर्स अवेलेबल थे तो मैंने दोनों कलर की आपको बनाकर दिखा रही हूँ। अब इसमें कलर डालने के बाद आपको क्या करना है, बस इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है। अगर आप 10 मिनट इसे फ्रीज़र में रखेंगे तो ये जेली बिल्कुल सेट हो जाएगी। उसके बाद आप इसे नीचे फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखकर इसे ठंडे कर आप जब भी चाहें इसे खा सकते हैं। ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, 10 मिनट सिर्फ मैंने फ्रीज़र में रखा है और ये बिल्कुल परफेक्टली सेट हो चुकी है। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। घर में बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम चीज़ों से और बड़ी स्वादिष्ट जेली आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसका लुक, इसका टेस्ट देखिए, स्पेशली बच्चों के लिए ये रेसिपी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं इसे कट कर आपको सर्व करती हूँ। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स को भी कट कर डाल सकते हैं, वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो देखा आप सभी ने, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपने ट्राई की रेसिपी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।
अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करते ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपके पास मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आ सके। तो अब मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।